गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और हो सकता है आप मॉर्निंग के समय इस वीडियो को देख रहे हो। अभी सुबह के 7 बजे पड़े हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, दिल्ली में हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन इस रेलवे स्टेशन का नाम है और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक नई सिटी में। आप लोग प्यार ही इतना दे रहे हैं, इतने नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो पुराने क्लाइंट है अब वो भी हमको बुला रहे हैं, ठीक है, जिनको कि कभी हमने अपनी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से आपने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे, आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग पहले करते क्या थे, हम लोग ट्रेनिंग्स देते थे, उसके बाद हमने जो कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट को, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्टिंग तक हम लोग स्टार्ट करते थे, ठीक है। अब हमने एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट किया है जिसमें कि हम लोग खुद जाके, मैं और मेरी टीम जाके, जो रेस्टोरेंट के ऑनर से हम लोग मिलते हैं और जो भी हमारी ऑफरेंस से रिलेटेड क्वेरीज होती है, चाहे हमारी कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, फूड कॉस्ट से रिलेटेड हो, स्टाफ से हो, मैनेजमेंट से हो, ठीक है, SOP से हो, बैकएंड का कुछ भी काम हो, उन चीज़ों को हम लोग पर्सनली जाके डिस्कस करते हैं और उसका वहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो या फिर किसी और तरीके से। तो आप लोगों ने देखा होगा मार्च मंथ में मैं राजस्थान में था, 2 कैफे में मैंने विजिट करी थी, जिसमें से कि एक हमारा प्योरली वेज रेस्टोरेंट था, हनी चॉइस कैफे, और दूसरा हमारा था जो कि ये कैफे था हनी चॉइस, ये हमारा किशनगढ़ में था, और दूसरा जो हमारा कैफे एंड बार था वो हमारा बीकानेर में था। उसके से भी जो वीडियोज़ हैं हमारी वो आएंगी, क्योंकि वीडियोज़ आने में समय लगता है, बट यहाँ पर जो हमारी रील्स होती है, शॉर्ट्स होती हैं, वो ऑलरेडी पता चल जाती है। इवन मेरे जो व्हाट्सएप के स्टेटस से भी आप लोग पता लगा लेते हो कहाँ हैं, और आप लोगों ने अब तो पता लगा ही लिया होगा कि मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। यहाँ पे ग्वालियर में भी जो हमारे क्लाइंट हैं वो हमारे पुराने हमारे सर हैं, जिनकी की एक बेकरी है, बेकरी और कैफ़े है, जिसका कि नाम हमारा यहाँ पे पिकनिक है, वो भी प्योरली वेज है। ग्वालियर के बाद एक जगह और आगे पड़ती है जिसको कि हम लोग शिवपुरी बोलते हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, मतलब कि मैं जा रहा हूँ वहाँ उनसे मिलने के लिए। तो सेम डे ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आज ही मैं शाम को वापस आ जाऊँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे एक साथ चल रहे हैं, तो आप लोगों का प्यार है जिससे कि हम लोग ये कर पा रहे हैं, और आप लोगों से ही जो आप लोग हमको इतना प्यार कर रहे हो, हमसे कनेक्ट हो, तो आप लोगों के ही प्यार से हमको ताकत मिलती है ये सब करने की। बाकी आज की मीटिंग में जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई आप भी कोई ऑनर हो, आप लोग भी हमसे पर्सनली कनेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो मेरी या मेरी टीम की विजिट आपके आउटलेट्स पे हो, तो आप भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समय रह गया है, बिल्कुल सुबह सुबह मैं उठ के आया हूँ, ठीक है, क्योंकि कल तो मैं बीकानेर से सुबह ही घर पहुँचा था अपने 6 बजे, और अब मैं दोबारा से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा, ठीक है, फिर मैं अपनी ट्रेन का इंतजार करूँगा, और मे बी 20-25 मिनट में मेरी ट्रेन भी आ जाएगी, और उसके बाद जो भी शिवपुरी में होगा, जो भी सर से मीटिंग होगी, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। A few moments later. अब इंतज़ार हो रहा है अपनी ट्रेन के चलने का, ठीक है, 20 मिनट अभी भी लगेंगे चलने में, और लगभग 11:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे अपने ग्वालियर, और ग्वालियर से मुझे और आगे जाना है आपका शिवपुरी, एक जगह पड़ती है जहाँ पे कि हमें बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना है। रेस्टोरेंट का नाम जो है, जो कि बेकरी भी है, वो है हमारी पिकनिक, जो कि प्योरली वेज कैफ़े और हमारी बेकरी है। यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था, प्योर जो वेज खाना ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पे आया है हमारे पास कटलेट, ठीक है, रोटी है, बटर है, और इसमें आई थिंक ब्रेड है, जैम है, और ये हमारे जो डाइजेस्टिव बिस्किट है वो है, और चाय के लिए जो लोग साथ में अलग से जो ग्लास और गर्म पानी देते हैं। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का यहाँ पे ब्रेकफास्ट है। A few inches later. तो ये पहुँच गए हैं हम लोग अपने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक है। तो ये अच्छा था, अच्छा ये वो उसका शॉर्ट भी नहीं है, ये वाली कौन सी कॉफी से बनाया, फिर वाला वाली ये हॉट है, ये हमारे 3 आउटलेट होने वाले हैं, और अभी मैं जाने वाला हूँ अपने सबसे पहले आउटलेट पर, और ये जो आउटलेट है ये भी लगभग हमारे 8 साल पुराने आउटलेट है। तो चलिए, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कोजी सी जगह है, ठीक है, ये वाह, तो यहाँ से एंटर मारेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो पूरा का पूरा वाह, ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा अगर आप देखें ना, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए ना, पूरा का पूरा अगर आप देखें ना, यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी जो हमारी खारी है हमारी,
ठीक है, जो हमारे बर्थडे का सामान होता है, जिस प्रकार से हमारी जो बेकरी होती है, ठीक है, जो वेडिंग केक्स हैं, ये डमी है अपने केक्स की, ठीक है, आपको मैं उठा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जो डमी केक्स यहाँ पे रखे गए हैं, और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार, ठीक है, ये देखिए, है ना, तो आप ये देखिए, और इस तरफ है हमारी बेकरी का फ्रंट, ठीक है, ढेर सारे, अगर आप देखिए ना, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे हमारे ढेर सारे, यहाँ पे डेजर्ट है हमारे, ठीक है, रसमलाई केक है, ठीक है, ट्रफल्स हैं, यहाँ पे हमारी जो ब्राउनीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, ऊपर पूरा का पूरा हमारा मेन्यूज़ यहाँ पे है, पास्ता है, चाइनीज़ की डिशेज़ हैं, पिज़्ज़ा है, सैंडविचेज़ हैं, ठीक है, और इस तरफ है बनाई गई है हमारी सेटिंग। तो यहाँ पे मोस्टली अगर हम चाहें तो टेक अवे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। तो ये पहला आउटलेट है, अब इसके बाद मैं आपको जो हमारे सेकंड आउटलेट पर लेके चलूँगा। तो ये है हमारा जो पिकनिक बेकरी का दूसरा आउटलेट, ठीक है, तो ये भी आप देखें ना, बड़ा कोजी सा, सेम लोगो, ठीक है, बहुत ही तगड़ा इन्वायरमेंट है, इसको भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो चलिए, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे हैं, शिवपुरी में, फिर से आपको मैं याद दिला दूँ, ठीक है, पिकनिक बेकरी बाहर की तरफ खोले, ठीक है, चलिए आज, ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा आउटलेट। तो अगर आप देखेंगे ना, यही पूरा का पूरा कोजी इन्वायरमेंट है। तो अगर आप देखोगे मोस्टली वो वाले आउटलेट में हमारे सारे के सारे क्यों, हमारे बेकरी के हमारे डिजर्ट आइटम थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो फास्ट फूड का आइटम है, मेन्यू भी मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ। खास बात क्या है यहाँ की, खास बात ये है यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो प्योर वेज आइटम्स हैं विदाउट यूजिंग एनी एग्स। तो जो भी केक है या जो भी हमारे बाकी आइटम्स बन रहे हैं, चाहे हमारे चाइनीज़ हो, हमारे बर्गर हो, सारे के सारे किसके हैं, हमारे प्योरली वेज हैं, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा हम लोग अगर ऊपर इधर पूरा चारों तरफ घुमाएंगे ना, बहुत ही कोजी सा, काफ़ी सिटिंग स्पेस भी यहाँ पर है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने तीसरे आउटलेट में। अब मैं आ गया हूँ अपने जो पिकनिक बेकरी एंड कैफे के तीसरे आउटलेट पे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट है और मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो ये रहा, ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा आउटलेट, ठीक है, और ये भी देखेंगे आप, कोजी सा, छोटा सा बट बहुत ही प्यारा सा हमारा आउटलेट है। और आप जितने भी मैंने आपको जो तीनों आउटलेट दिखाए, सबसे ज़्यादा आप क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा है वहाँ पे क्लीननेस, ठीक है। आपके अगर मैं यहाँ के मेन्यू की बात करूँगा ना, तो यहाँ पे जो हमारे चाइनीज़ और बर्गर वगैरह नहीं है, ठीक है, बट आप देखेंगे पूरे के पूरे हमारे डेजर्ट हैं। और ये जो हमारा जो एरिया मैंने आपको बताया, शिवपुरी का एरिया पड़ता है, लगभग 2.5 लाख करीब यहाँ की आबादी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पिकनिक बेकरी के तीन हमारे आउटलेट हैं, तो अगर आप देखेंगे बहुत ही जो ये ब्रांड है पिकनिक वाला, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बिकॉज ऑलरेडी 7 साल से ज़्यादा इनको हो चुके हैं। तो मुझे भी यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। बाकी जो भी मैं हमारी बिजनेस मीटिंग हुई, डील हुई, ठीक है, वो भी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप भी किसी शहर में और आप भी अपनी कोई फूड बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप भी मुझको अप्रोच कर सकते हो, जो हमारे नंबर्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।